हेलो एंड वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से है और इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न के बारे में भी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। दोस्तों, हर पाकिस्तानी के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अगर वो माली तौर पर मुस्तहकम है और वो पैसे कमा रहा है, कोई कारोबार कर रहा है या उसकी एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है तो उसको टैक्स देना चाहिए। वैसे तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी परचेजिंग करते हैं, कोई भी चीज़, चाहे वो खाने पीने की हो या आप मोबाइल कार्ड ख़रीद रहे हों या आप कोई और मशीनरी ख़रीद रहे हों या कोई और आप मोबाइल ले रहे हों या आप कोई भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन कर रहे हों, तो आपको टैक्स तो वैसे भी देना ही होता है। और अक्सर बेशतर ये होता है कि आपका टैक्स जो है वो आपको पता भी नहीं चलता और आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बाई कर रहे होते हैं उसमें आपका टैक्स जो है वो कट रहा होता है। लेकिन उस फिर भी ये होता है कि जो आपके असासे हैं या आपने कोई जो भी डीलिंग्स की हैं उसके ऊपर भी टैक्स होता है और ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसमें अपनी पॉलिसीज अनाउंस करती रहती है जिसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। जहाँ तक सैलरीड पर्सन का ताल्लुक है, उनकी सैलरी में से भी टैक्स कटता है। जो भी सरकारी मुलाज़मीन हैं उनकी सैलरी का एक हिस्सा जो होता है कुछ परसेंटेज के हिसाब से टैक्स की सूरत में भी जाता है। तो अब जो पाकिस्तान में सिस्टम है FBR का, वो ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन भी हैं या आप कोई बिजनेसमैन हैं तो भी आपको जो अपने असासे हैं वो ज़ाहिर करने हैं, आपको अपनी इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको शो करने होते हैं। उसी चीज़ को हम टैक्स रिटर्न का नाम देते हैं। जो भी टैक्स रिटर्न अपना जमा कराते हैं FBR में, वो एक्टिव टैक्स पेयर होते हैं और वो फाइलर भी कहलाते हैं। तो फाइलर होना अच्छी बात है, इसके बहुत से फ़वाद हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि जो अभी गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए और लोग अपने असासे भी डिक्लेयर करें और बाकायदे से टैक्स भी दें, जो उनका टैक्स बनता है वो अदा करें। टैक्स रिटर्न की जहाँ तक बात है वो मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप कमाते हैं और जो भी आप खर्च करते हैं उसकी एक इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है FBR के अंदर। तो ये एक सिस्टम है जो कि ऑनलाइन है, इस सिस्टम का नाम है आयरस, जो कि FBR की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ आप अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल या मसला नहीं है इसमें कोई, आप अपनी जो भी सालाना इनकम है वो आप शो करें और अपने सालाना अखराजात शो करें, तो उसमें आपका फिर वो बैलेंस होता है वो आप कोशिश करें कि दोनों तरफ बराबर हो, तो ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न कहलाता है। और ये करने के बाद आप फाइलर बन जाते हैं और आपको NTN नंबर भी मिल जाता है। और इस फाइलर बनने के बाद आपको बहुत सी सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ़र करती है। तो दोस्तों, अब हम फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में डिटेल में जानते हैं कि फाइलर कितने परसेंट के हिसाब से टैक्स अदा करेगा और नॉन फाइलर किस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स अदा करेगा और किस डिपार्टमेंट में ये टैक्स कितना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में। विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपके उस अमाउंट के ऊपर होता है जो आपने बैंक्स में रखा हुआ है और अगर आप उससे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो टैक्स अदा किया जाता है। 50,000 से ज़्यादा की अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो फाइलर हज़रात जो हैं वो 0.3% जो है वो उस पर टैक्स देंगे और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 0.6% आपको टैक्स देना पड़ेगा 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन के ऊपर। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज करती है टैक्स के हवाले से। अभी करंटली जो चीज़ चल रही है वो भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये कि अगर आप फाइलर हैं तो आप किसी भी मालियत की प्रॉपर्टी की सेल या परचेस कर सकते हैं, आपकी आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 50 लाख रुपये से ज़्यादा की मालियत जो है उसकी डीलिंग नहीं कर सकते, उसकी ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते, इस पर पाबंदी है। अच्छा, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 5.5% टैक्स देना होगा फाइलर होने की सूरत में, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा, 8% टैक्स आपको देना पड़ेगा नॉन फाइलर होने की सूरत में। और अगर आप कोई कमर्शियल नौयत की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका आप बिज़नेस करते हैं, तो फाइलर होने की सूरत में आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 9% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको कोई डिविडेंड हासिल होता है तो उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना होगा फाइलर होने की सूरत में,
और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा डिविडेंड्स के ऊपर। बैंक्स की जो सेविंग स्कीम है उनके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो 10% मिलेगा आपको फाइलर होने की सूरत में, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो बैंक के जो सेविंग स्कीम्स हैं उनके ऊपर आपको 15% टैक्स देना होगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट के टेंडर्स लेते हैं, उनको आप उनसे कोई माहदे करते हैं, उस पर आपको 4.5% टैक्स देना होगा फाइलर होने की सूरत में, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर सूरत में आपको 9% टैक्स देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट के ठेके ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना है फाइलर होने की सूरत में वो 7.5% है, और नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको 15% टैक्स देना होता है। अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड हैं और उन पर आपकी कोई इनामी रकम निकल आती है तो फाइलर होने की सूरत में आपको 15% टैक्स देना होगा, 15% टैक्स, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको प्राइस बॉन्ड की जो इनामी रकम है उसके ऊपर 25% टैक्स देना पड़ता है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन अगर मिल रहे हैं तो उसके ऊपर आप फाइलर होने की सूरत में 12% टैक्स देंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उस कमीशन के ऊपर आप 15% टैक्स देंगे। गाड़ियों की जो सालाना टोकन फीस होती है उसकी अदायगी 800 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक है फाइलर होने की सूरत में, और नॉन फाइलर अगर आप हैं तो उसकी जो अदायगी है वो 1200 रुपये से 30,000 रुपये तक हो सकता है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जो विदहोल्डिंग टैक्स होगा उसकी अदायगी 15,000 रुपये से 2,50,000 रुपये तक है फाइलर होने की सूरत में, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसकी जो अदायगी है वो 25,000 रुपये से 4,00,000 रुपये तक हो सकती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि जो बैंक की ट्रांजेक्शन होती हैं, क्रॉस चेक है जैसे, या पे ऑर्डर है, या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह आप बना रहे हैं बैंक में, तो उसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे फाइलर होने की सूरत में। और अगर आप ये तमाम काम कर रहे हैं, क्रॉस चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, तो आपको 600 रुपीज़ जो है वो टैक्स देना होगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 1% टैक्स देना होगा फाइलर होने की सूरत में, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 2% टैक्स देना होगा। 40,00,000 रुपये से ज़्यादा मालियत की अगर आप जायदाद की परचेजिंग कर रहे हैं तो कुल रकम का 2% जो है वो आपको टैक्स देना होगा फाइलर होने की सूरत में, और अगर आप 40,00,000 रुपये से ज़्यादा मालियत की कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो कुल रकम के ऊपर आपको 4% टैक्स देना होगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट कंपनीज के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको फाइलर होने की सूरत में 10% टैक्स देना होगा, और नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको 15% टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में कि किन किन डिपार्टमेंट्स में किन किन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर उनको फाइलर होने की सूरत में क्या फ़ायदे हैं, कितने परसेंट टैक्स देना होगा, और नॉन फाइलर होने के की सूरत में कितना टैक्स देना होगा। तो आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा इस वीडियो से। आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दोबारा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।